वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव संबंधी बिल ला सकती है सरकार। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण संबंधी बिल भी पेश कर सकती है सरकार। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक बुलाया है संसद का विशेष सत्र और ये संभावना कि एक देश एक चुनाव संबंधी बिल ला सकती है सरकार, साथ ही साथ महिला आरक्षण संबंधी बिल भी पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र संसद में बुलाया है और संसद के विशेष सत्र पर इन विषयों पर चर्चा होने की संभावना। बड़ी खबर बता दें, संसद के विशेष सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर है, 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाई गई है। क्या एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है सरकार? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी सरकार? क्या महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लाया जा सकता है? क्या देश में जल्द हो सकते हैं लोकसभा चुनाव? क्या संसद के विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है? विपक्ष मुंबई में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए प्लान बना रहा है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के एक्स पर एक पोस्ट के बाद तमाम तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला सकती है। इससे पहले राज्यसभा का विशेष सत्र फरवरी 1977 में बुलाया गया था। उस वक्त तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना था। यूपीए के शासन में लोकसभा का विशेष सत्र जुलाई 2008 में बुलाया गया था। तब लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान के साथ चर्चा पर अड़ा था। कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाई थी जो गिर गया था। दरअसल विशेष सत्र बुलाने के बाद विपक्ष की ये आशंका और गर्मा गई है कि सरकार जल्द चुनाव करा सकती है। ममता और नीतीश समेत कई नेता ऐसी आशंका जता चुके हैं। बहरहाल विशेष सत्र बुलाने को विपक्ष सियासत की नजर से देख रहा है, लेकिन सरकार का असल मकसद क्या है यह अभी साफ नहीं है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सीतापुर से बात करें तो धर्मराज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले निखिल, आप ही का रुख करें, देखिए जिस तरीके से सरकार ने विशेष सत्र बुलाई है, ऐसे में क्या रणनीति है, क्योंकि एक देश एक जो चुनाव को लेकर के ये बात सामने आ रही है कि चर्चा हो सकती है, ऐसे में क्या रणनीति है सरकार की? सबसे पहले देखिए, एक बात बहुत साफ है, इस विशेष सत्र को लेकर सरकार ने कोई एजेंडा नहीं दिया है, तो निश्चित है कोई ऐसा एजेंडा सरकार का है जिसको लेकर वो लोगों को चौंकाना चाहती है। यही वजह है विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। अब इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश देश की बात करें तो वर्तमान मुद्दे क्या है, दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है, और तीसरी अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कि देश में एक इलेक्शन होगा, यानी वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना भाजपा ने देखा था उसे भी पूरा किया जा सकता है। चूंकि 24 के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, तो सरकार चाहती है कि जो स्टेट के चुनाव और राज्य के चुनाव वो एक साथ हो। ये तमाम विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है इसमें विशेष सत्र में। अगर हम बात करें विपक्ष का, तो विपक्ष इसी बात को लेकर बहुत नाराजगी जाहिर कर रहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर सत्र का एजेंडा क्या होगा। और जो कवायसों का दौर है वो दो बिंदुओं को लेकर महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ये है कि किसी भी स्थिति में जो है वो जाकर किसी तरह स्थिति में जाकर जो कॉमन सिविल कोड है उसे न लागू किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें, एक वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति भी आ सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी
बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं निखिल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विशेष सत्र से कुछ आने वाले दिनों में कई सियासी हलचलों के मायने हैं। सीधे रुक करूंगी धर्मराज त्रिपाठी का। बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ कई और सहयोगी भी जुड़ गए। अमरेश पटेल हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं, संबल से भी हमारे साथ सत्यपाल जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले रुख मैं सीतापुर से धर्मराज त्रिपाठी का कर रही हूं। धर्मराज, देखिए जिस तरीके से अब ये कड़ी कहीं ना कहीं और अधिक हलचल वाली दिखाई दे रही है, राजनीतिक मायने इसके कई निकाले जा रहे हैं। विशेष सत्र का जो बुलाया है सरकार ने, ऐसे में ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन मैनेज करेगा, क्योंकि एक साथ अगर लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुत ज्यादा अब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी इलेक्शन कमीशन की। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, विशेष सत्र जो बुलाया गया 18 सितंबर से 22 सितंबर तक का, बोले इसमें 5 बैठकें होंगी और महत्वपूर्ण कानून पास होंगे। और सीतापुर की बात करें, जब से खबर आई है चैनलों से, तब से ये लगातार जो है माहौल बना हुआ कि वन इलेक्शन वन कानून बनेगा। हमारे साथ जो कई नागरिक सीतापुर के मौजूद आए, उनसे भी जानते हैं कि जो बैठक होने जा रही है, 5 बैठकें में क्या कहेंगे। देखिए, मोदी जी का हर एक विजन राष्ट्र को नई चेतना देता है। कुछ नई सोच के साथ इस लोकसभा के सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा नया भवन बना हुआ है, जो गुलामी का प्रतीक, जो अंग्रेजों का आक्रांता, अंग्रेजों के बनाए हुए भवन था, उससे हटकर एक नई लोकसभा सभा भवन में जो सत्र बुलाया जा रहा है, ये अद्वितीय होगा और कुछ ऐसा होगा जो नई राष्ट्र को नई चेतना देगा। महिला आरक्षण बिल भी आ सकता है इसमें, महिलाओं से पूछते हैं महिला का बिल भी आरक्षण आ सकता है क्या? वो तो हम लोगों के हित की बात होगी, और मोदी जी हमेशा बच्चों और परिवार पूरे के लिए सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हम औरतों के हित की बातें, जैसे घर की कुछ समस्याएं हैं, कुछ बच्चों के स्कूल की समस्याएं हैं, तो उसके बारे में आप तमाम रिएक्शंस लोगों के ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको रुकना चाहूंगी, हमारे साथ रायबरेली से भी अमरेश पटेल लगातार बने हुए। अमरेश, आपका रुख कर रही हूं, देखिए जिस तरीके से अब विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से, और ये संभावना कि एक चुनाव एक जो कहा जा रहा है, एक देश और एक चुनाव की जो गुत्थी है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, ऐसे में ये संभावना जितनी जताई जा रही है, इसी के साथ ये भी बात सामने आ रही है कि अगर लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के नाम का जो ये लॉजिक निकल कर आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं फूट आ सकती है। जी निश्चित तौर पर, जिस तरह से ये विशेष सत्र की चर्चा शुरू हुई है, तो यहाँ पर जो बिल पास होना है उसमें मोदी सरकार ये बिल पास कर दे कि एक देश एक चुनाव को लेकर के बिल आ जाए, तो ये उम्मीदें जरूर लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर काफी संख्या में लोग हमारे पास खड़े हुए हैं और इन लोगों से जानते हैं आखिर ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के। रमेश नाम है हमारा, किसान नेता के नाम से कहा जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेता के नाम वादे किए, चाहे राम मंदिर का रहा हूँ पूरा हुआ, 3 तलाक का रहा हूँ पूरा हुआ, 370 का रहा पूरा हुआ। अमरेश, आपको रुकना चाहूंगे, हमारे साथ संबल से सत्यपाल भी जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, सीधे आप ही का रुख कर रही हूँ, बड़ा दाव खेला है मोदी सरकार ने, विशेष सत्र बुलाई है, और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इस पर विपक्ष का क्या रिएक्शन है। मैं बता दूं आपको, 18 से 22 सितंबर तक विशेष संसद का सत्र लागू होने जा रहा है, और जिसमें सत्र के विशेष सत्र नरेंद्र मोदी फिर चौंकाने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं इस बारे में क्या रहा है और क्या है इसको लेकर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सब क्या नाम है आपका, सबसे पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन लेकर क्या कहना है। राजनीतिक लोग हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश। सर, वन इलेक्शन वन नेशन आ सकते हैं, क्या कहना है? शायद मोदी जी की जो चाहे वो कलर की मर्जी है, क्या कहते हैं, ठीक है। सत्यपाल, आपको रोकना चाहूंगी, संबल से हमारे साथ सत्यपाल जुड़े थे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली से हमारे साथ अमरेश पटेल जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीतापुर से धर्मराज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया, और लखनऊ से भी निखिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल ये जो जंग छिड़ी हुई है एक देश एक चुनाव को लेकर के, कहीं ना कहीं इसमें आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिलेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।